ये बताइए कि अगर आज के बाद भी, आज जब कि आपकी यहाँ से खबर नशर हो रही है, अगर आज भी आपके साथ यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है और लोगों को यहाँ से ये गंद से बाज नहीं रखा जा रहा है, तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा यहाँ से? देखिए, हम एक्चुअली मुझे सुनने में आया है कि हमारी जो एक एप्लीकेशन डीसी साहब के पास भी गई हुई है, एक म्यूनसिपाल्टी भी गई है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली हमारी, देखिए, बोलते हैं आम आदमी की कोई नहीं सुनता एक्चुअली, ठीक है। तो हमारी एक हम खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आला ऑफिसर हैं एक्चुअली, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है या म्यूनसिपैलिटी में है एक्चुअली, कि इसके बारे में कुछ करें। इसकी वजह से हम जो आम आम आदमी हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं या जो रहने रहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। हम लोग इमेजिन नहीं करोगे कि दुकानदारों को स्पेशली, जो जिनकी जिनकी दुकान है यहाँ पे एक्चुअली, आप इमेजिन करें कि कस्टमर दुकान के अंदर आना नहीं चाहता। आप मुझे बता रही है, दिहाड़ी वाले लोग हैं एक्चुअली बेचारे, अगर इनकी जो रोजी है वो रोजी कैसे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के बिल्कुल बैक साइड में, जो घाट रोड जाती है, वार्ड नंबर 16 में, यहाँ पे मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो नारी निकेतन के लिए जाती है गली, उसके बिल्कुल साथ में नीचे आप देख सकते हैं कि रोड पर किस तरीके से कूड़ा करकट डाला गया है। और इस कूड़ा करकट की वजह से यहाँ पे न सिर्फ बीमारियाँ फैलती हैं, बल्कि यहाँ पे काफ़ी गंदी किस्म की बदबू आती है, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को गुजरना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे आज काफ़ी सारे दुकानदार हैं जो हमारे साथ बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ के लोकल्स हैं वार्ड नंबर 16 के, जो हमारे साथ बात करना चाहेंगे इस हवाले से कि आखिरकार काफ़ी दिनों से ये यहाँ पे गंद पड़ी है और इसको यहाँ से कोई उठाने वाला नहीं है। क्या म्यूनसिपल कमेटी डोडा अभी सोई है और उनको क्या पता नहीं है कि इस तरीके के हालात इस वक्त टाउन में बने हुए हैं? ये सिर्फ बात वार्ड नंबर 16 की नहीं है, इसके अलावा भी अगर देखा जाए ज़िला के या कस्बा के मुख्तलिफ गली कोचों में, तो इस तरीके के कूड़े करकट के ढेर मिलते हैं। तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि म्यूनसिपल कमेटी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, जिसकी वजह से यहाँ के आम शहरियों को नुकसान उठाना पड़ता है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही दिनों में काफ़ी सारे लोगों का यह भी दावा है कि इस कूड़े करकट की वजह से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से काफ़ी सारी बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आपका इस्तकबाल करेंगे शोम चैनल डोडा में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। किस तरीके से आप देखते हैं ये पूरा मसला, क्या हो रहा है यहाँ पे अभी? देखिए सर, एक्चुअली ना ये काफ़ी देर से जो ये रास्ता है, आप अगर जैसे आप सोचते हैं कि जो गाड़ी जो रास्ता है, गाड़ी का रास्ता है एक्चुअली, ना कि डंपिंग ग्राउंड है ये, जिस उन्होंने मतलब ये रास्ते को डंपिंग ग्राउंड बना दिया हुआ है एक्चुअली। और मुझे जो लगता है कि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, उनको मतलब इमेजिन नहीं करेंगे कि किस हालत से ये गुजरना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब इसकी वजह से हमारे घर में बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, ना बच्चे यहाँ से बाहर आ सकते हैं, बूढ़े लोग मतलब इमेजिन नहीं करोगे कितने बीमार हो गए हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं, हमारी गुजारिश है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश है, म्यूनसिपलिटी से गुजारिश है एक्चुअली, कि या इसके बारे में कुछ करें, ठीक है, कि इसकी वजह से हर आम आदमी को तकलीफ़ हो रही है। और ऐसी तकलीफ़ हम मतलब हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली, कि हम बच्चे को यहाँ से स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए एक्चुअली। ये कब से ये पूरा एरिया इस गंद से भरा हुआ है? देखिए एक्चुअली ना, पहले ये डंपिंग ग्राउंड ऐसा नहीं था, एक डस्टबिन था एक्चुअली, बट पहले ये ऐसी यहाँ पे, क्योंकि जो दुकानें नहीं थी एक्चुअली, उसकी वजह से और मानते हैं हमें डंपिंग कर, उन्होंने एक डस्टबिन रखा था, बट अब यहाँ पे लाइक रेजिडेंशियल एरिया बन चुका है, दुकानें हैं, उसकी वजह से आई थिंक मुझे म्यूनसिपलिटी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, कि कहीं कहीं इसकी इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे आसपास आबादी ना रहे, लोग ना रहें, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ कर सकते हैं वो इस हवाले से। आपने अपने वार्ड मेंबर को, आपका वार्ड मेंबर कौन है?
हमारे वार्ड मेंबर जी हैं, रमेश जी हैं हमारे, एक्चुअली आई थिंक वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बट फिर भी देखो जब तक लोगों का साथ ना हो तो विकास कैसे होगा एक्चुअली। तो मुझे जो लगता है कि अगर ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ही कुछ करें तभी जाके इसका कुछ हल निकाला जा सकता है। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी के जितने यहाँ पे वार्ड मेंबरान हैं या जो लोग हैं यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों तक आपकी ये आवाज़ पहुँची अभी तक या नहीं? देखिए हमने बार बार इनको रिक्वेस्ट की हुई है, जो आई थिंक गाड़ी भी आती है, बट मतलब हर बार सर ये हमारी कोशिश है। हमने तो जो लोग यहाँ पे गंद फेंकते हैं उनको भी गुजारिश किया है कि ये एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बट हमारे लोग मुझे बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कॉमन सेंस जो कॉमन नहीं है एक्चुअली, बट फिर भी उन्होंने मतलब आकर यहीं फेंकना है एक्चुअली। फिर भी हमने रिक्वेस्ट की है उन जो गाड़ी वाले आते हैं गंद कूड़ा उठाने के लिए कि यार डस्टबिन ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे आसपास आबादी ना हो एक्चुअली। आप मुझे ये बताइए कि अगर आज के बाद भी, आज जब कि आपकी यहाँ से खबर नशर हो रही है, अगर आज भी आपके साथ यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है और लोगों को यहाँ से ये गंद से बाज नहीं रखा जा रहा है, तो फिर अगला कदम आप लोगों को क्या रहेगा यहाँ से? देखिए हम एक्चुअली मुझे सुनने में आया है कि हमारी जो एक एप्लीकेशन डीसी साहब के पास भी गई हुई है, एक म्यूनसिपालिटी भी गई है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ एक्चुअली। हमारी देखिए बोलते हैं आम आदमी की कोई नहीं सुनता एक्चुअली, ठीक है। तो हमारी एक हम खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आला ऑफिसर हैं एक्चुअली, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है या म्यूनसिपलिटी में है एक्चुअली, कि इसके बारे में कुछ करें। इसकी वजह से हम जो आम आदमी हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं या जो रहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है। हम लोग इमेजिन नहीं करोगे कि दुकानदारों को स्पेशली जो जिनकी दुकान है यहाँ पर एक्चुअली, आप इमेजिन करें कि कस्टमर दुकान के अंदर आना नहीं चाहता। आप मुझे बता रही दिहाड़ी वाले लोग हैं एक्चुअली बेचारे, अगर इनकी जो रोज़ी है वो रोज़ी कैसे चलेगी, इसकी वजह से इनकी रोज़ी बंद हो चुकी है एक्चुअली। तो मैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपैलिटी वाले वो चाहेंगे कि उनका चूल्हा चले कि नहीं चले? तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि शिवम चैनल के थ्रू कि थोड़ा उनके तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे और इसके बारे में वो कुछ करें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया मैक जी, हमारे साथ बात कर रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये है मौजूदा सरकार के दावे। आप सब लोगों के पास काफ़ी सारे खबरें तरसील होती रहती है कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन आप देख रहे हैं ये है जनाबे आली, ये है स्वच्छ भारत मिशन। आप देख रहे हैं ये रोड है, जो रोड है कोई गली नहीं है, ये घाट की रोड है जहाँ से घाट बबोर और दीगर पूरे अतराफ की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, और जेएमसी डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है उसका ये रोड है। और आप सब लोग देख रहे हैं ये स्वच्छ भारत मिशन कहाँ पे हो रहा है। तो यही चीज़ें देखने की हैं कि जहाँ पे मौजूदा सरकार के दावे होते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान को चला रहे हैं, काफ़ी सारी गाड़ियां, काफ़ी सारे डस्टबिन दे गए, लेकिन उन तमाम चीज़ों को लेकर के जिन लोगों को इन्होंने इस तमाम के लिए खड़ा किया है, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार, और वो चाहते नहीं हैं कि इस तरीके से लोगों को नुकसान से बचाया जाए। आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ सफाई की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले दुकानदारों के दुकानों पर ग्राहक नहीं आते, उनके कस्टमर्स यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बू इस तरीके की गंदी है, इतनी गंदी बू है कि जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और हम यही जानना चाहेंगे कि आप पूरा देख लीजिए, ये पूरा हम आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे ये गाय है, ये इस वक्त ये खाने के लिए आ रही है, गंद है इतनी, इसके अलावा तमाम घरों से आया हुआ तमाम जितना कूड़ा है वो यहाँ पे जो है लोग इसमें पूरे रोड पर फैला देते हैं। और इस बात पर यही पे आप सब लोगों ने सोचना है कि स्वच्छ भारत मिशन कहाँ की ओर जा रहा है, क्या ये सफाई कर रहे हैं या सफाई के बदले में साफ जगहों पर गंद डाल रहे हैं। तो आप सब ने यही देखना है कि जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जाते हैं, लोगों को उसके हवाले से बाखबर कराया जाता है कि आप सब लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पे स्वच्छ भारत के इतने जी हमने इतने ज़्यादा जो है देश को साफ़ किया, लेकिन वहीं पे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि खुली रोड पे जो है डस्ट को डाला जाता है। तो ये चीज़ें देखने की हैं। अगर कोई भी इस पर बात उठाने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को जो है बताया जाता है कि ये वन साइडेड हो जाते हैं, लेकिन करें क्या जनाब, जब सच और हकीकत उसी तरफ जाएगी तो हम किसी की फेवर और किसी के अपोजिशन में नहीं जा सकते। आप देख रहे हैं ये नाली की क्या हालत है, नाली में डंपिंग है, ये सब लोगों को भी देखना चाहिए, हर चीज़ को हम सब लोगों ने देखना होगा। हम मौजूद शहरी हैं इस पूरे कस्बे के, हम इस मुल्क के, तो हम सब ने इस चीज़ को साफ़ रखने की कोशिश करनी होगी, फिर जाकर के हम सब लोग महफूज रह सकते हैं। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि ये
ये देखिए ये रेड़ी है, ये नाली में रखी हुई है, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये पूरा एरिया जो है घिरा हुआ है। और ये बात सिर्फ इस वार्ड नंबर 16 के अंदर नहीं है, इस वक्त कस्बे के मुख्तलिफ अतराफ में जब दौरा होता है, मुख्तलिफ गलियों में जाया जाता है, तो कहीं पे गली टूटी है, कहीं फूटी है, कहीं नाली ऊपर से चल रही है, कहीं जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कहीं कुछ है। इसका मतलब यह है कि कस्बा कहीं पे में महफूज नहीं है, और कूड़े में लोगों को रखा गया है, और कूड़े के ज़रिए से लोगों को काफ़ी सारी नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, चाहे वो उनके अखराज हों। जैसे दुकानदारों का ये कहना था कि उन लोगों के पास कस्टमर्स नहीं आते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़िला इंतजामिया की जानिब ये लोग गौर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नारी निकेतन की गली है, और यहाँ पे देखिए पूरा खाली है। अगर यहाँ पे रात के टाइम अंधेरे में किसी का पैर जाएगा तो सीधा नाली में जाएगा। इसके अलावा पूरे खस्ता हालत है पूरे कस्बे की। उम्मीद रखते हैं यहाँ के लोग यही कि फौरन इस मामले को जो है हल किया जाएगा, और इस पूरे मामले को देखने के बाद यहाँ के लोगों को राहत महसूस होगी। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शिवम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आरायशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आरायशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल तक ये पर्दे, मखमल कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आरायशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राबता करें 9906374660, 9906233314।